हेलो चिल्ड्रन टुडे सब्जेक्ट इज साइंस चैप्टर फोर मटेरियल्स दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वी विल सी पार्ट थ्री दैट इज रिएक्शन विथ एसिड्स लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विथ एसिड्स हियर इट इज एक्टिविटी फोर पॉइंट सिक्स कीप द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम योर फेस यूज होल्डर टू होल्ड दिस प्रैक्टिकल टू बी टू बी डन इन लेबोरेटरी ओनली

observe the reaction carefully if no reaction occur in the cold solution warm the test tube gently usko warm thoda sa uh, karna hai still bring a burning matchstick near the mouth of the each test tube keep away your face repeat the same activity using dilute sulfuric acid instead of the dilute hydrochloric acid पहले हमने क्या लिया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब आपको लेना है सल्फ्यूरिक एसिड का फाइव मिल ड्रॉप Record your observation in table 4.5. Here is a table 4.5 reaction of metal and non-metal with acids. First is a test tube A, B, C, D, E, F that is contain. A contain the magnesium, B contain aluminum, that is foil, C that is iron, D that is copper, E that is charcoal, F that is contain sulfur in the powder form. रिएक्शन डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था फिर हमने लिया था सल्फरिक एसिड रूम टेम्परेचर में वो क्या करते हैं तो उनको लिखना है कि रिएक्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस और वार्म करने के थोड़ा सा वार्म देने के लिए बाद में क्या करता है रिएक्स रेपिडली धीरे धीरे वो रिएक्ट करता है सेम वे सल्फरिक एसिड में भी ऐसा ही रिएक्शन देते है एल्यूमिनियम में भी ऐसा ही होता है रिएक्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस

क्या नॉन मेटल एंड मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं द दो साउंड इन बी ड्यू दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। बट मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस जो मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं द पॉप साउंड वो फटाक जैसा पॉप साउंड करके बर्न होता है यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है पर वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है Now let's see that is reaction with bases. Activity 4.7 To be demonstrated by the teacher during the preparation of sodium hydroxide solution care should be taken that pellets of sodium hydroxide 100 are handed with a plastic spatula. That is don't touch it. Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in a test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water.

इट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटर्स विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्स इज द डिसमेंट रिएक्शन रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएशन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयन धैट यू परफोर्म इन अस सेवेंथ लेटेस्ट ऑब्जर्व सम मोर रिएशन ऑफ दाइ फाइ लेना है बिकॉज दट इज हंड्रेड एम एल एंड लेबल दीडी

फिफ्टी एम एल ऑफ वाटर इन इज बीकर एंड उसमें फोर पॉइंट सिक्स बीकर ए कंटेन द कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ग्रेनेट सेकेंड बीकर कंटेन थे कॉपर सल्फेट प्लस आय सी कंटेन दिंक सल्फेट प्लस कॉपर ट्यूमिंग्स

डिस होते हैं इन बीकर ए जिंक रिप्लेसिस ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर एंड पाउडर रेड मास बॉटम ऑफ द बीकर नीचे पाउडर फॉर्म जमा हो जाएंगे दैट इज रेड मास ऑफ द कॉपर इट शोज द कॉपर इज अलगीकरण होता है द रिक्शन कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो दट इज कॉपर सल्फेट मिक्सअप विथ अ जिंक

बीकर सी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है वी कैन इन्फर दैट कॉपर इज नॉट एबल टू रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट बट वाई जिंक सल्फेट कॉपर जिंक के साथ मिक्सअप होके जिंक सल्फेट में से मिक्सअप होके रिप्लेस नहीं होता है क्यों वेन जिंक कैन रिप्लेस कॉपर इन बीकर ए वाई कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक इन बीकर सी जैसे हमने देखा कि बीकर ए में जिंक रिप्लेस करता है कॉपर को ऐसे और uh, uh, कॉपर रिप्लेस कैन नॉट कॉपर रिप्लेस जिंक कॉपर भी जिंक को रिप्लेस नहीं करता है जैसे कि बीकर इन सी वाई रिमेंबर दैट साइंस इज नॉट आर्बिट्ररी इट फॉलोज डिफाइन रूल्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द रूल हियर दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन जिंक

You can understand why there are no displacement reaction in beaker D and E also. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive? Zinc, iron and copper. Now we will see the uses of metals and non-metals. You should be able to guess why metals are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industrial gazettes, cooking utensils, water boilers etc., you are also familiar with the uses of some non-metals, right? Here are the some interesting ones. We are sure that you will guess them, right? Non-metal is essential for our life, which all living beings inhale during breathing. Non-metals used in fertilizers so enhance the growth of plants. Growing plants के लिए zero है. Non-metal used in water purification process. नॉन मेटल यूज इन द पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अपलाइड्स एस एन एंटी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में भी यूजफुल है नॉन मेटल्स यूज इंग क्रैकर बनाने में भी यूज होता है यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस हम डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूज करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल का